गाइस समझ आ रही है, आ ही गई है। और तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस, पूरी फ्लावर प्रिंट वाली। मतलब इस समर्स में तो आप छाने वाले हो, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आप सबकी चोई थी गीमा आशी। आज बहुत पिंकी पिंकी बन के बैठी हूँ। मेरी बहुत पुरानी ड्रेस है जो मैंने मिंत्रा से ली थी। अब मैंने सोचा मैं कुछ ड्रेसेस का हॉल करूँ, तो क्यों ना कुछ एक ड्रेस पहन के बैठ जाती हूँ। वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, मैं सोचूँ फैन और एसी थोड़े दिनों में बस ऑन ही करने पड़ेंगे। हालांकि इतनी अच्छी बात, होली आने वाली है, उससे पहले ही इतनी गर्मी आ गई है कि इस बार होली में अच्छे से पानी से खेला जाएगा। अब देखते हैं बाकी ये मेरा हॉल कब लाइव होगा। गाइस मैंने ना बहुत कुछ मीशो से ऑर्डर किया है, पूरा समर को माइंड में रख के। लूज फिट की टी शर्ट्स हो गई, कुर्तियाँ हो गई, ड्रेसेस हो गई। लेकिन मैंने ड्रेसेस में मेनली जो कैटेगरी को फॉलो किया है ना, वो मैंने सोचा था बहुत ही फ्लोई फ्लावर प्रिंट वाली। जितनी भी ड्रेसेस है ना, वो सारी आपको प्रिंट वाली ही आज के हॉल में मिलेगी। मतलब जो परफेक्ट होगी कि आप बीच पे पहन जाओ, माउंटेन साइड पे पहन के चले जाओ, और मूवीज़ देखने जा रहे हो तो पहन लो, कैजुअल आउटिंग्स डेट के लिए भी पहन सकते हो। मतलब इतनी ज़्यादा प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस मुझे दिख रही थी, तो मैंने वो मंगाई है। और सुनो, हमेशा मैं 8 या 9 मंगाती थी, भाई साहब इसमें मैंने 12 मंगवाई है। मतलब मानोगे मेरे कार्ट में 16 ड्रेसेस थी। फिर मैंने दिल पे पत्थर रखे, 4 हटाए, लेकिन 12 में से तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी हटाऊँ या मैं कौन सी रखूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ा हॉल हम बना देंगे, और इस हॉल का नाम भी मैं थोड़ा लिख दूंगी, ह्यूज समर ड्रेसेस हॉल फ्रॉम मिंत्रा, और साइड में लिख दूंगी पूरा फ्लावर प्रिंट वाली। ठीक है, तो बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, बाकी सारी बातें तो हो गई हैं। फटाफट से मैं आपको साइड ड्रेसेस दिखाती हूँ और सब कुछ बताती हूँ, सच सच अच्छी है या बुरी है। तो दिखाती हूँ सबसे पहली ड्रेस, उससे पहले बताती हूँ प्राइस रेंज। मिनिमम जो हमारी ड्रेस है वो है 330 रुपये से शुरू, राउंड फिगर में हम 350 बोल देते हैं। और जो मैक्सिमम ड्रेस, मैक्सिमम जो प्राइस है हमारी ड्रेस का, वो पता है कितना है? 500 रुपये। तो मतलब आज का हॉल हमारा अंडर 500 की कैटेगरी में भी आता है। वाह, क्या ढूंढ के मैंने ड्रेसेस निकाली हैं 500 रुपये से भी सस्ती। तो चलो दिखाती हूँ पहली ड्रेस। पहली जो हमारी ड्रेस है वो है 472 रुपीज़ की, आप पिक्चर में देख सकते हो। मैंने यही लुक बनाना है, शूज़ के साथ पहनना है, स्लीव्स वाली कॉलर शर्ट टाइप की ड्रेस है। कलर भी इसको मैं आपको 4 मिल जाएंगे। दिस पीच ऑरेंजिश का शेड था, फिर ग्रे ग्रीन एंड ब्लू, मैंने ये वाला ही ऑरेंज टाइप का मंगाया। लेट्स सी देखते हैं कैसा आया है। और मैंने सारी की सारी ड्रेसेस स्मॉल साइज में मंगवाई हैं। गाइस समय के साथ मैंने तरक्की कर ली और मैंने खरीदा है ये कैरेट वाला कटर, और जो बहुत ही बड़ा है और मैं अपना कुछ एक खराब भी कर चुकी हूँ। मैंने ऐसे करके फाड़ा और अंदर का कपड़ा भी फट चुका है, बेडशीट का, ऐसे घर के लिए मंगाई थी, तो मैं थोड़ा केयरफुल भी हो गई हूँ, समय के साथ अंधी भी हो रही हूँ। गाइज ये ड्रेस प्योर कॉटन की है, ठीक है, और शर्ट प्रिंट आप पूरा देख सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ऊपर पूरे ऐसे कॉलर बने हुए हैं, प्रिंट आप देख सकते हो ऑरेंज बूटियों वाला प्रिंट है। स्लीव्स आप इसकी देख सकते हो, आगे आपको इलास्टिक लगी हुई मिल जाएगी, और आप बैक से भी देखो, और आप इसका घेर देखो कितना अच्छा खासा इसका घेर है, काफ़ी लॉन्ग है। आप इसके नीचे वाइट स्नीकर्स भी पहन सकते हो। फ्रंट से भी पूरा आप देखो, पूरी ऑल ओवर सेम ड्रेस है, ठीक है। आप चाहो तो इसके नीचे लेगिंग्स भी पहन सकते हो, ऑरेंज कलर की जीन्स भी पहन सकते हो। मतलब समर के हिसाब से ये ड्रेस बहुत ही फ्लोई और बहुत ही अच्छी मुझे लगी। आप इसको कुर्ती स्टाइल में भी पहन सकते हो। ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि अब मुझे लग रहा है कि यार मैं मम्मी के लिए भी मंगा दूँ डबल एक्सल साइज़, और उनको भी बहुत अच्छी लगेगी ऐसी कुर्तियाँ टाइप की। और प्लस पॉइंट ये भी लगता है, कई बार आपको धूप जैसी जगह पर जाना है तो स्लीव्स वाली चीज़ आप प्रेफर करते हो, तो इसमें स्लीव्स भी हैं। मटेरियल की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत सॉफ्ट है। बाकी आप साइज़ वगैरह देख सकते हो, ब्रांड का नाम आप देख सकते हो, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहीं से आप शॉपिंग करोगे तो आपको सेम और जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा। मुझे काफी अच्छा लगा, फिर भी मैं एक बार वियर करके देखती हूँ कि क्या पता पहनने के बाद उतना अच्छा लुक में लग रहा है नहीं लग रहा है, नहीं तो वैसे जो दिखाया है सेम वैसा ही आया है। चलो मैं इसको फटाफट से वियर करके आती हूँ। गाइज ये है मेरी सबसे पहली ड्रेस, और देखो जैसे पिक्चर में दिखाई है ना एग्जैक्टली ये वैसे ही लग रही है, बहुत ज़्यादा फ्लोई है। आप देख सकते हो इसकी पूरी लेंथ, ये मुझे कहाँ तक की आ रही है, इसकी पूरी स्लीव्स, और ये इसका कॉटन फैब्रिक बहुत स्मूथ है, प्रिंट भी अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब समर के हिसाब से, मतलब मैं खुद को इमेजिन कर रही हूँ पता नहीं क्यों ऑल ऑफ सडन कि मैं इसको लेके जूडियो में ड्रेसेस देख रही हूँ। देखो दिमाग में भी जूडियो आया, दिमाग ने भी छोड़ दिया कि
बीच और गोवा तो तू भूल ही जा, तू जा ही नहीं सकती, दिमाग में भी जू डिवा ये नहीं हो सोच रही कि मैं ऐसे बीच में भाग रही हूँ इसको पहन के, ना दिमाग ने भी अब वो प्रोसेस करना छोड़ दिया है, पता नहीं कब आएंगे वो दिन। बाकी एनीवेज आप ये पूरी ड्रेस देख सकते हो कैसी लग रही है, पास से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी स्लीव्स यहाँ तक आएंगी, काइंड ऑफ 3/4 इसकी स्लीव्स है, इलास्टिक पूरा आप देख सकते हो, प्रिंट पूरा देख सकते हो, नेक पे माइक हटाती हूँ तब आपको नेक दिखेगा कि क्या नेक की पूरी शेप है कॉलर के साथ, और जिसकी चोली वाला पार्ट है मुझे कहाँ आ रहा है। उसके बाद इसका पूरा घेरा आप देखो कितना है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसका, मुझे काफ़ी पसंद आई, तो उस रीज़न से मैं तो इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट जो हमारी ड्रेस है ना भाई साहब, इसके कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं, पिक्चर में आप देखो 355 रुपीस की ये ड्रेस है, सेम वॉल मेरे घर पे भी है, सेम पोस्ट चेप के ये फोटो मैं पक्का क्लिक करने वाली हूँ, ये बहुत सुंदर ड्रेस लग रही है। अब अगर ये सेम ही आई है ना तो मज़ा आ जाएगा 355 की, स्मॉल साइज़ की, अब देखते हैं कैसी आई है। कलर वाइज तो बिल्कुल सेम लग रही है, बस होपफुली ये आए वैसे ही। फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट है, मैं पहले खुद देखूँ, ये बहुत सुंदर ड्रेस लग रही है गाइज। ये शॉर्ट ड्रेस रहेगी, आप इसको स्नीकर्स के साथ भी वेयर कर सकते हो, जीन्स के ऊपर भी वैसे वेयर कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर स्नीकर्स। आप इसकी स्लीव्स देखो, जैसे पिक्चर में दिखाई है ना थोड़ी बलून काइंड ऑफ स्लीव्स, ये बिल्कुल वैसी ही इसकी स्लीव्स है। फ्रंट नेक आप देख सकते हो, यहाँ से आपको ऐसे डोरी मिली हुई है बांधने के लिए, ठीक है। इधर की स्लीव्स आप देखो, देखो कुर्ती में से शॉर्ट कुर्ती टाइप की ये ड्रेस है, फ्लेयर भी इसमें अच्छा खासा है, नीस से ऊपर ही आएगी, शायद नीस तक ये ड्रेस आएगी, बैक से आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे कलर कॉम्बिनेशन। अब आप ये देखो और साइड में लगी हुई है पिक्चर, उसको देखो, मतलब कितनी ज़्यादा सिमिलर लग रही है ऐसे तो प्रिंट वाइज भी। अब मैं वेयर करके आती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि लुक वाइज सेम लग रही है या नहीं लग रही है। वैसे तो प्योर कॉटन की है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, मैंने तो साइज स्मॉल मंगाया है, चलो वेयर करके देखते हैं, क्या पता पहन के बुरी लगे, पता नहीं क्यों गलत सोचने लगती हूँ पहले ही, वेयर करके आती हूँ। इस ड्रेस से मुझे प्यार हो गया है, आप इसका एक बार आप लुक देखो गाइस, ये इतनी कंफर्टेबल, इतनी शॉर्ट, इतनी प्यारी सी ड्रेस लग रही है ना, गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बैक से भी पूरा देख सकते हो इसकी लेंथ कहाँ तक आ रही है, स्लीव्स, फिटिंग, लेंथ, और ये इतनी फ्लोई है ना, इतना मज़ा आ रहा है मुझे इसको पहनने में। इसका नेक भी आप देख सकते हो, क्या इसका नेक के डिज़ाइनिंग है, कैसा इसका सिंपल सा लुक है, मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो ये शेड्स ऑफ ब्लू इसमें आ रहे हैं वाइट कलर में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब जैसा पिक्चर में दिखाया ना, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी काश ये ऐसे ही निकले, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही निकले, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर आप भी कोई ऐसी शॉर्ट ड्रेस ढूंढ रहे हो, ये परफेक्ट वो बीच है, पहाड़ों पर भी बैठे हो ना, बहुत सुंदर लगेगी यार, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, रीजनेबल प्राइस में मिल रही है, फटाफट ले लो, मेरी तरफ से तो थम्स अप है। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो ड्रेस है ना, मुझे लगता है ये उसकी सिस्टर ड्रेस है, क्योंकि दोनों एक ही पैकेट में आई थी और दोनों का लुक भी बिल्कुल सेम है, मैंने शायद प्रिंट और कलर की वजह से अलग समझ लिया होगा। ये 390 रुपए की ड्रेस है, आप पिक्चर में देख सकते हो। इस वाली ड्रेस के तीन कलर के ऑप्शन है, रेड मरून सा, फिर स्काई ब्लू एंड ब्लैक एंड वाइट, मैंने ये रेड मरून कलर मंगाया है, लेट्स सी कैसा आया है। एक मिनट गाइस, कुछ गलती हो गई है, ये पैकेट मेरे से हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। बिल्कुल सेम है गाइस, ब्रांड भी सेम है जो उसका ब्रांड था, फैब्रिक भी सेम है, बस प्रिंट अलग है। आप देखो डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल सेम है, नेक से देखो आप, ठीक है, स्लीव्स आप देख सकते हो सेम, बैक से आप देख सकते हो ऊंची सी है ये, शॉर्ट बिल्कुल, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा सा रेड कलर का। अब मैं इसको भी वेयर करके देखती हूँ, होपफुली ये बहुत अच्छी लगे, क्योंकि कॉटन में समर ड्रेसेस पहनने में मज़ा आ जाएगा, और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है ये ड्रेस। चलो दोनों को फटाफट से वेयर करके आती हूँ, वो तो आपने देख ली, इसको भी वेयर करके आती हूँ। ब्लू इतनी पसंद आई तो रेड तो पसंद आनी ही थी, ये बिल्कुल सिस्टर ड्रेसेस हैं, बस जो डिफरेंस है वो प्रिंट का डिफरेंस है, सेम फैब्रिक, सेम फिटिंग, सेम लुक, सेम स्टाइल, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं समझ में पर्सनली, मेरे पास दो तीन इसी तरीके की ड्रेसेस हैं जो मैंने अर्बैनिक से ले रखी हैं, कॉलर टाइप की स्लीव्स वाली और शॉर्ट ड्रेसेस, वो मुझे इतनी कम्फर्टेबल लगती थी ना, और ये बिल्कुल उसी कैटेगरी में आ गई, बस ये कॉटन की हैं, इनका प्रिंट बहुत क्यूट है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सुंदर और अच्छी ये ड्रेस लग रही है। ब्लू को भी मैंने थम्स अप दिया, इसको भी मैं थम्स अप दे रही हूँ, जाके खरीद लो। नेक्स्ट दिखाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस हॉल की सबसे महंगी ड्रेस अब मेरे हाथ में आई है, ये पूरा
फ्लावर वाली प्रिंट वाली वी नेक की ड्रेस है, 504 रुपए की, आप पिक्चर में देख सकते हो। मुझे ना वैसे जो नेक में ऐसे फ्रिल्स लगी होती है वो बहुत बच्चों वाली लगती है, लेकिन मैंने मंगवा के देखने का सोचा, क्या पता कि पहनने के बाद ऐसी ना लगे। और ये थोड़े ना शिफॉन वाले फैब्रिक की है, साइज़ मैंने स्मॉल ही मंगाया है, एंड इसमें स्लीव्स भी है और ये थोड़ी लॉन्ग भी है, मतलब मैंने दोनों कैटेगरी मंगाई है, शॉर्ट और लॉन्ग, स्लीव्स एंड स्लीवलेस, जैसा जिसको कंफर्ट। यार कितना सुंदर फ्लेयर लग रहा है ऐसे तो इसका देखने में, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा शिफॉन है, ठीक है, छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। स्लीव आप देख सकते हो, स्लीव्स में कोई अंदर लाइनिंग नहीं लगी और आगे इलास्टिक लगी हुई है। बैक से मैं आपको दिखाऊं तो बैक से भी आप देख सकते हो। मुझे ना देखो पर्सनली ना, मेरे को पर्सनली जो चीज़ नहीं पसंद है ना वो ये है कि मेरे को ना ये नहीं पसंद, मतलब ये ना हो तो ज़्यादा बेटर लगता है, तो ना बच्चों के जैसा लगता है ये। बाकी जो आप पूरा घेर है ना, आप ये देखो कितना ज़्यादा इसमें घेर है और पूरा इसमें अंदर लाइनिंग वगैरह सब लगी हुई है। बहुत सुंदर ये ड्रेस लग रही है, सॉफ्ट बहुत लग रही है, 500 रुपए के हिसाब से मुझे वर्थ इट लग रही है, क्योंकि जो फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है ना अंदर भी देख सकते हो, उस हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। चलो फिर भी मैं इसको पूरा वियर करके दिखाती हूँ आपको, क्या पता पहनने के बाद ये चीज़ इतनी बुरी ना लग रही हो, अच्छी लग रही हो, मैं फालतू में इतना सोच रही हूँ, वियर करके आती हूँ। इस ड्रेस का प्रिंट मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा प्रिंसेस वाइब वाला ड्रेस का मुझे लुक लग रहा है इसका, लेकिन मुझे पर्सनली ना ये वाला डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप मुझे कमेंट से बताना कि ये डिज़ाइन अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। वैसे जो भी पूरी प्रिंसेस वाइब आ रही है ना वो इसी से ही मुझे आ रही थी, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लोई, फ्लेयर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा है, प्रिंट इतना प्यारा, कलर इतने प्यारे हैं इसके, पूरा बैक से भी आप देख सकते हो कैसी ये ड्रेस है। एक तो क्या है, लेंथ अच्छी खासी लंबी है और स्लीव्स वाली ड्रेस है, तो मैंने हर कैटेगरी मंगाई है यार, स्लीवलेस शॉर्ट और फुल स्लीव्स, और मतलब स्लीव्स वाली और लेंथ वाइज भी ये मुझे बहुत अच्छी ड्रेस लग रही है। मतलब इसका फैब्रिक इज़ वाओ, फिटिंग और मतलब सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है मुझे, बस मुझे बस इसमें कन्फ्यूजन है, ये बताना प्लीज़ ये लग कैसा रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, वरना तो इसके लिए मैं आपको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो हमारी ड्रेस है वो प्रिंटेड मीडी ड्रेस, पिक्चर में आप देख सकते हो 423 रुपीज़ की है, और ये स्लीवलेस है और नीचे से फिश कट इसकी शेप, और इसमें एन नंबर ऑफ कलर और प्रिंट ऑप्शन है, मतलब आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैंने तो एक ये वाला मंगाया क्योंकि ये मुझे सबसे अलग लग रहा था, आपको जौन सा अच्छा लगे, लाइट, डार्क, पिंक, ब्लैक, आप कुछ भी मंगा सकते हो। तो चलो दिखाती हूँ मैं, साइज इसका स्मॉल है, ये पिक्चर में नहीं नोटिस हो रहा था कि इसके जो ऊपर स्ट्रैप्स हैं ये ऐसे डिज़ाइनर और ऐसे कटिंग वाले इसके स्ट्रैप्स हैं। मैं आपको दिखाऊँ, ये स्लीवलेस ड्रेस है, ठीक है, मीडी पूरा आप देख सकते हो, पीछे इसमें आपको जिप मिल रही है जिससे आप इजीली वियर कर सकते हो, काफ़ी लॉन्ग जिप है, मुझे लगता है कमर से भी नीचे तक आ रही है, बाबा इतनी लंबी जिप तो ये बॉडीकॉन ड्रेसेस में भी नहीं देते हैं, इसमें कैसे दे दी इन्होंने, मतलब इसकी जिप यहाँ तक है, यहाँ तक पूरी जिप है इसमें, ठीक है। और आप पूरा लुक देख सकते हो, फ्रंट में नेक का राउंड नेक है, पीछे से आपको ऐसा रिबन मिले हुए हैं दोनों साइड से, ऐसे फ्रॉक में होते हैं बांधने के लिए, फ्रंट में आप प्लेट्स देख सकते हो कैसी पर बनी हुई है, और नीचे से आप देखो ऐसा कुछ फिश कट बोल दूँ मैं तो, इसे फिश कट टाइप्स बोल रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हो ऐसे ट्राइंगल 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 वाला पूरा ऐसे नीचे से इसका लुक आएगा, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, जितनी मीडी होती है ना ये बिल्कुल उसी स्टाइल की है। अब मैं पहन के देखती हूँ कि ये लग कैसी रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि इसकी चोली बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है, मतलब चोली पार्ट बहुत लंबा लग रहा है, बाकी तो पहन के पता चलेगा अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ, तो चलो पहन के ही आती हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर बताती हूँ इस ड्रेस में क्या है, इसकी चोली वाला पार्ट इतना ज़्यादा लंबा है कि मेरे बेली बटन पे यहाँ तक इसकी चोली आ रही है, उसके बाद इसका लुक बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे, वो बात अलग है कि इसका जो बॉटम स्कर्ट का लुक है ना वो काफ़ी स्टाइलिश है, जिगजैग, कहीं से छोटा कहीं से ऊँचा शॉर्ट, यहाँ से ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मेरे हिसाब से ना, इसको कम से कम थोड़ा तो इतना तो शॉर्ट होना ही चाहिए था कि मतलब अपर पार्ट बिल्कुल छोटा सा आए उसके बाद आपकी स्कर्ट स्टार्ट हो जाए तो ये ज़्यादा स्मार्ट लगती है, भी तो बहुत लंबी चोली सी लग रही है, और ये मुझे ना काफ़ी लूज़ भी है, आप देख सकते हो लूज़ है, और इसमें पीछे से जिप दी हुई है पहनने के लिए, और पीछे आपको रिबन के आप बांध सकते हो रिबन, और देख सकते हो कहाँ तक की इसकी पूरी लेंथ है, ये लग कैसी रही है, इसमें बहुत सारे प्रिंट हैं, आप कोई सा भी प्रिंट ले सकते हो और अपने हिसाब से अपने टेलर से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करवा सकते हो,
हो, लूज करवा सकते हो, शॉर्ट करवा सकते हो, वरना पूरी लेंथ देख सकते हो। इसमें ना काफ़ी सारे प्रिंट्स थे, मुझे ये प्रिंट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ से भी बताया था कि आपको ऐसे कट कट वाला कुछ शोल्डर से मिल जाएगा। और बस ये ड्रेस है, मुझे पहन के मतलब जितना मज़ा इसके बॉटम में आ रहा है ना, उतना ही बुरा मुझे ये पार्ट देख के लग रहा है। शायद आपको भी ये चीज़ फील हो रही हो, और क्या पता आप लोग को इस लंबी चोली से कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। बाकी लुक वाइज मैं बता चुकी हूँ, फैब्रिक वाइज इज़ ओके, प्रिंट वाइज जैसे दिखाया वैसा ही आया है। फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है, ड्रेस बहुत फ्लोई है, आप बिल्कुल आराम से इसको बीच बीच में वियर कर सकते हो, और बिल्कुल परफेक्ट प्राइस में ड्रेस मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज। एक जो नेक्स्ट माई ड्रेस है ना, उसके नाम में बहुत तकड़ी बात लिखी हुई है। मैं पहले कुछ बोलने जा रही थी, मुझे लगा काफ़ी लोग ऑफेंड ना हो जाए तो मैं नहीं बोलती, बाकी समझने वाले खुद समझ जाएंगे। पिक्चर में देखो कितनी सुंदर सी रशियन है, और इस ड्रेस का नाम देखो, अडोरेबल रशियन ड्रेस, जो आपको पड़ेगी 330 रुपए की। वो बात अलग है, ड्रेस है रशियन स्टाइल की, आप उसको पहन के रशियन नहीं बन जाओगे, हम इंडियन ही अच्छे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये ड्रेस आती कैसे है और इसका नाम रशियन क्यों है। गाइज इसमें आपको मिल रही है ब्लू कलर की बेल्ट, ठीक है, और ये 330 रुपए की ड्रेस है। उस हिसाब से आप देखो इसमें बेल्ट भी है, उसको हम रखते हैं साइड। मुझे तो हंसी आ जा रही है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्या ही चलता रहता है। स्मॉल साइज की ये है, मुझे ना इसके प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखो मतलब बहुत बड़े बड़े से लिली और फ्लावर बने हुए हैं, ऊपर ऐसे शर्ट टाइप का पैटर्न है, स्लीव्स आप इसकी देख सकते हो, बैक से आप देखो ये कैसा है, और नीचे से ऐसे स्ट्रेट काइंड ऑफ है, फ्रिल नहीं है, ठीक है, फ्रिल नहीं है, स्ट्रेट है, और जहाँ पे भी बिल्कुल ये इलास्टिक वाला पार्ट आ रहा है ना, यहीं पर पूरे ऐसे ना वो दिए हुए बेल्ट के लिए ऐसे बने हुए, तो आपको यहीं पे बिल्कुल बेल्ट वेयर करनी है, और ऐसे नीचे बिल्कुल स्ट्रेट है। काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब ये थोड़ी ना फॉर्मल वेयर वाला भी पूरा लुक दे रही है मुझे तो, कि और आप कॉलर भी देखो आप इसका, क्यूट सा छोटा सा कॉलर, स्मॉल साइज़ की मैंने मंगवाई है, अंदर लाइनिंग वगैरह भी लगी है, बिल्कुल सेम लग रही है मुझे, क्यूट सी, फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, पूरा देख सकते हो आप। आई तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, मतलब जो दिखा रहे हैं अभी तक तो वही मुझे मिल रहा है। बाकी लुक में कैसी लग रही है वो मैं आपको वियर करके बताती हूँ। गाइज ये हमारी रशियन ड्रेस है, मुझे बता देना इसको पहन के मैं रशियन लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। ऑब्वियसली नहीं लग रही होगी, लेकिन ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है लुक वाइज, मतलब ऊपर से पूरा शर्ट, फिर ये बेल्ट, और नीचे पूरी ये लॉन्ग स्कर्ट। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आप पूरा देख सकते हो ऊपर से कॉलर वाला लुक इसका, इसकी स्लीव्स कहाँ तक मुझे आ रही हैं। बैक से भी मैं दिखाऊं तो पूरी कवरी ड्रेस है, कंफर्टेबल ड्रेस है, लेंथ पूरी आप देख सकते हो कहाँ तक आ रही है, माना बिल्कुल फ्लैट्स भी रखी हुए हैं, तो पूरा लुक आप देख सकते हो। मटेरियल वाइज बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है, जैसा पिक्चर में दिखाया एग्जैक्टली वैसे ही आई है, और बेल्ट वगैरह भी बिल्कुल सेम है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब होती नहीं एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस, सारी ड्रेसेस मुझे मोस्टली पसंद आ रही हैं जो भी मैं अभी तक देख रही हूँ, और बहुत अच्छा कलेक्शन आया इस बार ऐसे प्रिंट वाली ड्रेसेस का मीशो पे, इसके लिए भी थम्स अप, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट हमारी ये पिंक कलर की ड्रेस है जो मैंने मंगाई थी 400 रुपए की। इसका जो पिंक कलर है ना वो कितना डिफरेंट है, और जो मेरे हाथ में है ये कितना ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, मैच ही नहीं हो रहा है उसके प्रिंट से। मैंने तो क्यों मंगाया, मुझे उसका फ्लेयर बहुत अच्छा लग रहा था, अब लेट्स सी 400 रुपए में इसका फ्लेयर उतना है या नहीं है। प्रिंट तो चलो सेकेंडरी बात हो जाती है, नेक तो इसका देखो प्रॉपर वो वी शेप का ही नेक है, और इसमें ना लेस भी लगी हुई है, बिल्कुल सेम स्लीवलेस भी है। अब देखो देखने से तो लग रहा है कि घाई उतना गागेर बोलना क्या चाह रही हूँ मैं, बाकी पहन के और अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन अगर प्रिंट पूरा वही होता ना पिंक पिंक वाला वो ज़्यादा अच्छा लगता। इसमें ना वाइट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब बहुत अलग लग रहा है ये जो प्रिंट है, बाकी पहन के पता चलेगा कि इतना ज़्यादा घेर आ भी रहा है या काफ़ी लॉन्ग भी लग रही है उसकी, उससे मैच हो रही है या नहीं, पता नहीं क्यों मेरे तो प्रिंट में आके ना थोड़ा दिमाग सा सड़ गया कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है ये प्रिंट, नहीं अच्छा लग रहा है इस पर, मुझे तो वही पिंक चाहिए, वो पिंक होती तो अच्छी लगती। चलो एनीवेज वेयर करके आती हूँ। गाइस देख सकते हो आप वाली ड्रेस, प्रिंट बिल्कुल सेम होता ना तो मुझे मज़ा आ जाता, उसमें ना कुछ अलग प्रिंट है, इसमें वाइट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो बात अलग है कि आप इसका घेर देख सकते हो, ये पूरा उतना ही ज़्यादा घेर लग रहा है जैसे पिक्चर में उसने घेर दिखाया हुआ था। अब आप नेक देखो, पूरा डीप वी नेक है इसका, हल्की सी इसमें लेस की पाइपिंग सी लगी हुई है, स्लीवलेस ड्रेस है, कोई भी इसके अंदर स्लीव नहीं है, कॉटन की ड्रेस है, बहुत सॉफ्ट कॉटन है, फ्लोई बहुत है। अगर हम प्रिंट को इग्नोर कर दें कि हाँ कलर मैच नहीं हो रहा है, वैसे ही ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत फ्लोई ये ड्रेस है,
कुछ कमी लगी नहीं रही मुझे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्राइस जो आपको ड्रेस मिल रही है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। बैक से भी आप पूरा देख सकते हो क्या इसका लुक रहेगा, क्या फिट रहेगी, कितनी है ढीली है, कितनी है फ्लोई है, लेंथ वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। मुझे वैसे अच्छी लग रही है फैब्रिक वाइज, लुक वाइज। प्रिंट मुझे अभी भी उतना ही ज़्यादा पिंक और कम वाइट चाहिए था इसमें ना, बहुत ज़्यादा वाइट पिंक है नो डाउट। वैसे ये भी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे वो प्रिंट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके लिए भी मैं इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये ड्रेस इतनी सुंदर लग रही थी ना मेरे को, आप पिक्चर में देखो 380 रुपए की ड्रेस दिखा रखी है, और कितनी स्टाइलिश लग रही है। नेक देखो, स्लीव्स देखो, शॉर्ट भी है और ब्लैक एंड वाइट है। देखते हैं कैसे आई है। फैब्रिक तो सेम लग रहा है, देखो गाइस नेक तो स्क्वायर ही आया है, स्लीव्स भी वैसे ही आई हैं, थोड़ी सी ऐसे फ्लफी बलून टाइप की ड्रेस है भी, शॉर्ट फ्लेयर भी अच्छा खासा है, लग तो वैसी सी ही है। हाँ थोड़ा फैब्रिक में डिफरेंस तो है, फैब्रिक में डिफरेंस तो है ही। बीच बीच में CID वाला क्यों घुस जा रहा है मेरे अंदर, मल्टीपल करेक्टर्स है क्या मुझे कुछ तो गड़बड़ है कपड़े में, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आप देख सकते हो ये ड्रेस है, थोड़े धागे वागे निकल रहे हैं, मतलब उतनी फिनिशिंग मुझे इस ड्रेस में नहीं लग रही है। एक्चुअली इस फैब्रिक में ही मजा नहीं आ रहा है तो ये कॉटन, लेकिन कॉटन की भी काफी कैटेगरीज होती है ना, तो ये मुझे उतना फाइन वाला कॉटन नहीं लग रहा है। बाकी क्या पता है, मैं ऐसा सोच रही हूँ अगर पहनने के बाद ये मुझे लुक में बिल्कुल सेम लगी ना, तो मैं तो इसको 10/10 देने वाली हूँ। तो मैं फैब्रिक वाली चीज़ को भी थोड़ा साइड रख दूंगी, लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही थी पिक्चर में। अब आई डोंट नो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये कैसा लग रहा है, मैं इसको वेयर करके आती हूँ। गाइज अब इस ड्रेस का लुक मुझे बिल्कुल पिक्चर के जैसा लग रहा है, जैसे पिक्चर में दिखाया था, और मुझे काफ़ी अच्छी क्यूट और डिसेंट सी भी लग रही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी इतना प्यारा है, लेंथ भी आप देख सकते हो कि मुझे कहाँ तक की इसकी लेंथ आ रही है, फिटिंग भी आप देख सकते हो, पूरा इसका नेक जैसा स्क्वायर में दिखाया था वैसा ही आ रहा है, स्लीव्स भी इसकी बिल्कुल सेम लग रही है, फैब्रिक भी पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्यूट सी शॉर्ट ड्रेस लग रही है। इस पे व्हाइट कलर के ग्लैडिएटर्स फुटवेयर में कितने अच्छे लगेंगे, बैक से भी आप देख सकते हो। मुझे आप ये शॉर्ट वाली ड्रेसेस तो बहुत रैंडमली वियर करते हुए देखोगे मेरी स्नैप्स में, कि मैं कहीं भी जा रही हूँ मैंने एक ड्रेस उठाया मैंने वियर कर ली, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये वाली ड्रेसेस, मज़ा आ रहा है मुझे ये पहनने में। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, प्यारी सी ड्रेस, इसको भी मैं देती हूँ थम्स अप। वैसे जैसे कहते हैं ना, एक कहावत होती है ना जो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही है, कि अगर वो ना हो तो पता कैसे चलेगा कि हमने ऑर्डर कहाँ से किया है। कुछ भी समझ गए, कोई ऐसी कहावत होती है, समझ आए कौन सी कहावत होती है? एक कहावत होती है ना कि जब तक ये ना हो तो पता कैसे चलेगा कि हमने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी कहावत होती है यार। अगर आप समझ गए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया और एक आधी चीज़ में कलर डिफरेंस या कुछ झोल ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। पिक्चर में देखो 20 पार्टी वेयर लिखा है, वैसे कहीं से कहीं तक पार्टी वेयर नहीं है ये। 362 रुपीस की ड्रेस मैंने येलो एंड स्काई ब्लू प्रिंट में मंगाई थी। इसके नीचे तीन कलर के ऑप्शन है, येलो एंड दिस ब्लू एंड पर्पल एंड एक्वा एंड स्काई ब्लू। तो इन्होंने मुझे ब्लू एंड पर्पल दे दिया, एंड कि मे बी इनके पास येलो वाला नहीं होगा तो इन्होंने मुझे उठा के ब्लू एंड पर्पल दे दिया। अब वो बात अलग है कि अगर ये अच्छा हुआ तो सारी बातें आप भूल जाना जो मैंने स्टार्टिंग में बोली है, अगर कलर अच्छा नहीं लगा तो मुझे तो येलो ही चाहिए थी। देखो गाइस वैसे इतना बुरा नहीं लग रहा है कलर, ठीक है येलो वाला तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये है आपके सामने ड्रेस, वैसे तो ये हल्की सी ऑफ शोल्डर करके भी पहन सकते हैं, नॉर्मल भी पहन सकते हैं। पूरे चोली वाले पार्ट में आपको पूरा ऐसे स्ट्रेचेबल मिलेगा, स्लीव्स आप देख सकते हो, बैक से आप देख सकते हो, घेर भी आप देख सकते हो, नीचे से अलग से एक फ्रिल के लिए भी जॉइंट है, उसके बाद अलग से फ्रिल है। यार ड्रेस तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, बिल्कुल ठीक जैसे पिक्चर में दिखाई है, एग्जैक्टली सेम वैसे ही। बस इन्होंने जो कलर मंगाया था वो होगा नहीं, या बाय मिस्टेक उन्होंने मुझे दूसरा कलर भेज दिया, लेकिन ये कलर भी इतना बुरा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है येलो से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये कलर, मतलब ये ब्लू एंड दिस ब्राउनिश मस्टर्ड जो भी कलर है उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। चलो अभी अगर क्या आती हूँ गाइज, अब देखो इस ड्रेस का कलर माना डिफरेंट आया, लेकिन ये कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है, और मैंने इसको पूरा ऑफ शोल्डर करके वेयर किया, और ये ऑफ शोल्डर ही ड्रेस है, वैसे तो आप ऊपर भी कर सकते हो, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। पूरा देख सकते हो इसमें कितना इसमें फ्लेयर आ रहा है, ठीक है। बैक से भी आप पूरा देख सकते हो, बैक से दिखने में कैसी लग रही है, देन फ्रंट पूरी लेंथ
काफी सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, पूरा अपर से देख सकते हो कैसा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और बिल्कुल समर के लिए मज़ा आ जाएगा। बहुत फ्लोई सी ड्रेस है, बीच वगैरह में भी पहनूंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मुझे पसंद आई। हाँ वो बात अलग है, मैंने कलर दूसरे मंगवाया था आया कुछ और, लेकिन अच्छी है, उसके लिए थम्स अप। नेक्स्ट जो हमारी ड्रेस है ना, वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस की 350 रुपये की ड्रेस है, आप पिक्चर में देख सकते हो। बेस पूरा वाइट है, बीच बीच में फ्लावर्स बने हुए हैं और ये ना काइंड ऑफ थोड़ी बॉडीकॉन की ड्रेस, बॉडीकॉन की कैटेगरी में मैं इसको डालूंगी, इतनी फ्लोई नहीं है और आपको साइड से स्लिट भी मिल जाएगा, तो देखते हैं कैसी आई है। गाइस प्रिंट वाइज एग्जैक्टली सेम है, वाइट पे छोटे छोटे से ब्लू फ्लावर बने हुए हैं, ठीक है। स्लीव्स बिल्कुल वैसी हैं, पफी सी, फ्रंट में भी पूरा ऐसे इलास्टिक वाला स्क्वायर नेक है, देखो है ना बिल्कुल सेम जैसा पिक्चर में दिखाया है, एग्जैक्टली सेम। आप जितना ऐसे ढीला टाइट करना चाहो कर सकते हो और ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट टाइप की ड्रेस है और आपको फ्रंट में से इधर कट भी मिल जाएगा और साइड में इसमें जिप भी दी हुई है फॉर फिटिंग, क्योंकि ये काइंड ऑफ मैंने बोला ना थोड़ा बॉडीकॉन जैसी ड्रेस है, तो साइड में आपको यह जिप भी मिल रही है जिससे आप बहुत अच्छे से इसे फिट दे पाओ और फ्रंट में ये लुक जो बहुत टॉप में आजकल इन है, ठीक है। और ये रहेगी आपकी ड्रेस, अंदर लाइनिंग भी लगी है, अच्छी खासी लॉन्ग है। इसके इस टाइप की ड्रेसेस के नीचे अगर आप ग्लैडिएटर्स फुटवेयर्स जो ऐसे बांधने वाले होते हैं ना वो आप पहनोगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। ड्रेस अच्छी लग रही है मेरे को, मुझे लगता है मैंने फौरन चेंज एक थोड़ी स्ट्रेट काइंड की ड्रेस भी मंगा ली होगी फ्लावर प्रिंट में, अच्छी लग रही है। अभी अगर क्या आती हूँ, जो पिक्चर में दिखाया है ना आप कह सकते हो उसका बिल्कुल एग्जैक्टली ड्यूप है ये, मुझे ना उतनी अच्छी फिटिंग नहीं लग रही है, काफ़ी लूज़ है ऑल ओवर ड्रेस, मुझे देख सकते हो ये कट भी आप देख सकते हो कि मुझे कहाँ आ रहा है, पूरी स्लीव्स का नेक का पूरा डिज़ाइनिंग देखो, ये जो डोरी है इसको खींच के आप लूज टाइट जितना चाहो फ्रंट से नेक को आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आप स्लीव्स देखो कैसी इसकी स्लीव्स हैं, बैक से भी मैं दिखाऊं कि बैक से कैसा लग रहा है, और इसमें फिटिंग के लिए ना साइड में जिप भी दी हुई है कि आप आराम से जिप से पहन के पूरी फिटिंग विटिंग दे सकते हो। फैब्रिक सॉफ्ट है, प्रिंट समहाउ एग्जैक्टली सेम है, लुक वाइज ना मुझे प्रॉपर उतनी सेम नहीं लग रही है, इसको हल्का सा ना थोड़ा फिटिंग वाला होना चाहिए था और मुझे ऐसा लगता है फिट होने के बाद और थोड़ा यहाँ से भी थोड़ा सा स्ट्रेट होने के बाद ये ना ड्रेस सेम लगेगी और इसमें ऐसा सच मुझे कोई कमी नहीं लग रहा है, कहीं से चुभ नहीं रही है और अच्छी लग रही है वैसे तो मुझे, तो रेट के अकॉर्डिंग जो मिल रहा है फिर तो वो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है, तो इसके लिए भी मैं देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट जो हमारी फ्लावर प्रिंट वाली ड्रेस है वो आप पिक्चर में देख सकते हो, इसमें भी प्यारी सी रशियन बनी हुई है, इसके तीन कलर के ऑप्शन थे रेड ऑरेंज ग्रीन एंड ब्लू। अब मुझे लग रहा है मैंने ग्रीन क्यों नहीं मंगाया, मैंने इसमें भी रेड क्यों मंगा लिया, अब मुझे लग रहा है बस रेड ड्रेस कितनी हो गई है। ये 385 रुपीज़ की ड्रेस है और स्मॉल साइज की है, चिड़ हो रही है यार मुझे रेड कलर से, ग्रीन मंगानी थी मुझे, ये ग्रीन कलर में कितनी सुंदर लगती, मैं सोचूं रिटर्न करके ग्रीन मंगा लूं अगर रिटर्न का टाइम हुआ तो। ओहो ये देख रेड में कलर में कोई बुराई नहीं है, मेरी पर्सनल चॉइस है कि मेरे पास रेड बहुत सारी हो गई हैं, देखो ऊपर से ऐसे पूरा स्ट्रेचेबल, देखो इतना मोटा स्ट्रेचेबल है और नीचे से आप देख सकते हो पूरी स्ट्रेट है, फिर नीचे से अलग से फ्लेयर भी लगे हुए हैं, बैक से भी पूरी ऐसे ऑल ओवर ऐसी है, इसकी स्लीव्स भी आप देख सकते हो थोड़ी सी ऐसे बलून टाइप की स्लीव्स हैं, और ये है ड्रेस। मुझे ऐसा लगता है मैंने ऑलमोस्ट पूरी कैटेगरी में जो जो ड्रेसेस थी ना वो मैंने मंगा ली हैं, शायद ये अब 2-4 ड्रेसेस होंगी जो इनके इर्द गिर्द ही घूम रही होंगी फ्लावर प्रिंट में ड्रेसेस फ्रॉम मीशो, वरना आपको पूरी कैटेगरी मेरे इस हॉल में दिखी गई होगी। अब इसमें से कोई मत बोलना आपकी चॉइस अच्छी नहीं, तो भाई मीशो पे जाओ और वहाँ ड्रेसेस कैटेगरी में जाओ फिर देखो, जब आपको ड्रेसेस ही ये मिल रहे हैं तो मैं क्या पेड़ से लेके आऊँ ड्रेसेस, तो चलो एनीवेज गुस्सा भी मैं पूरा निकाल देती हूँ, मैं वेयर करके आती हूँ। इस वाली ड्रेस में ना मुझे एक कमी फील हो रही है, वो है ये कि स्लीव से जो इन्होंने पूरी इलास्टिक दिया ना बाबा, ये इतनी ज़्यादा टाइट है कि थोड़ी देर पहनने में ही ना पूरे ऐसे मार्क बन जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको थोड़ा लूज होना चाहिए। बाकी आप नेक देख सकते हो बहुत ही छोटा स्क्वायर नेक है इसका, स्लीव्स बहुत टाइट है तो मुझे तो वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। पूरा लुक आप देख सकते हो, पूरी लेंथ आप देख सकते हो कहाँ तक की मुझे लेंथ आ रही है। रेड कलर की ड्रेस है, वाइट एंड येलो फ्लावर्स हैं, पूरा थोड़ा सा इसका आप घेर भी देख लो कि कितना घेर है। बैक से भी मैं दिखाऊं तो आप बैक से देख सकते हो कि ड्रेस लग कैसी दी है, बैक से सब कुछ सही है ड्रेस में, फैब्रिक सही है, प्रिंट भी सही है, नेक भी कंफर्टेबल है, यहाँ से भाई साहब ये बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा, और जिनके भी थोड़े भी हैवी हैंड्स होते हैं जैसे मेरे हैं डोले,
उनको बहुत टाइट आ रही है। बाकी ड्रेस वैसे तो मुझे ठीक ही लग रही, लेकिन पर्सनली मुझे प्रिंट और ये कलर कॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। रेड पे दिस फ्लावर थोड़े से ज़्यादा ब्राइट हो जा रहे हैं मेरे लिए। ऐसे नहीं है कि आपको ना पसंद आए, मतलब आपको पसंद आ रहे होंगे, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं पर्सनली बता रही हूँ पिक्चर में मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन रियल में देखने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारी ड्रेस रेयॉन फैब्रिक की है। मैंने ना कलर कॉम्बिनेशन की वजह से मंगाया था, आप पिक्चर में देखो, जो पिक्चर में कलर दिख रहे हैं ना, येलो मस्टर्ड पे ग्रीन एंड पिंक फ्लावर, और ये 38 रुपीज़ की ड्रेस है। साइज़ मैंने स्मॉल मंगाया है। अब जो मुझे जो आया है ना, ये मुझे इतने ब्राइट येलो पे ये कलर पता नहीं क्यों मुझे थोड़े सेम से नहीं लग रहे हैं। अब मे बी वो फ़ोटो एडिट के कलर्स के बाद की बात हो। देखते हैं ये ड्रेस कैसी है। यार बिल्कुल बसंती लगूंगी, हरे खेत में पीली पीली सरसों। तो मैं अगर हरे खेत में इसको पहन के चली गई ना, तो मैं ही पीली सरसों, मैं ही पीला फूल लगने वाली हूँ। ये इतना ब्राइट येलो कलर, अरे बाबा। और ये साइज़ स्मॉल साइज़ में मुझे इतना बड़ा क्यों लग रहा है ये? नहीं, शायद मुझे वहम हो रहा हो, लेकिन ये मुझे लगता है इस एरिया से, ये जो ये चोट सी निकल रही है ना, यहाँ से शायद मुझे बड़ी हो। बाकी आप ड्रेस देखो, ऊपर से इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं। बैक से मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से आप स्ट्रैप्स को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ये मिडी ट्यूनिक टाइप की ड्रेस है, नीचे आप फ्लेयर देख सकते हो, स्ट्रेट ड्रेस। ठीक है, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, उसकी भी स्लीवलेस ड्रेस थी। हाँ सेम ड्रेस है, बिल्कुल सेम ड्रेस है, अच्छी भी लग सकती है। मैं वियर करके आती हूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ, मतलब मैं पर्सनली ना इतना ब्राइट येलो नहीं पहन सकती, आप देख रहे हो। और क्या पता मैं फ़ोटो शूट कराऊँ इसमें तो मैं अलग ही चमकूँ, तो मैं डाइसी हूँ, पहले पहन के आती हूँ फिर बताती हूँ। इस ड्रेस को लेके इतना मैंने बोल दिया है, सरसों का ये वो, तो मैंने सोचा एक वाला डांस हो जाए। मैं भी मिरर में गई, मैं खुद करी, चने के खेत में, बिल्कुल ड्रेस वही लग रही है। यार जोक था ये, ठीक है सीरियस में तो जाना, ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, लूज फिट में फ्लोई, जैसे ऐसा लग रहा है गोवा के लोग जैसे पहनते होंगे, ढीली ढाली सी, बिल्कुल वो ड्रेस है। लेंथ आप देख सकते हो कहाँ तक आ रही है मुझे ये, ठीक है। बैक से मैं आपको दिखाऊं, बैक से भी आप देख सकते हो क्या इसकी लेंथ है। स्ट्रैप्स बहुत ढीले हैं, एडजस्टेबल हैं। मैंने आपको बोला था ये मुझे यहाँ से बहुत लूज़ होगी ड्रेस, मुझे काफ़ी लूज़ है, फिटिंग थोड़ी तो मांग रही है, लेकिन आप ऐसे देख सकते हो नॉर्मली ड्रेस लग कैसे रही है। कॉटन की है, बिल्कुल समर्स में इसको पहनने में मज़ा आ जाएगा। जिनको ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो ये ले सकते हैं, वैसे इस में कुछ बुराई नहीं है, बहुत वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स है, मेरी पर्सनल लाइकिंग नहीं है, मुझे नहीं पता है मेरे पर लग कैसे रही है। प्लीज़ ये सरसों के खेत वाली ड्रेस मेरे पे कैसी लग रही है ज़रूर बताना, #सरसों का खेत वाली ड्रेस, ठीक है। कमेंट्स बताना अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, तो मैं आपकी कमेंट्स देखना चाहूँगी कि आपके हमें चॉइस मिल रही है, बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है। तो चलो ये थी मेरी लास्ट ड्रेस। सो गाइज दैट्स इट, ये थी मेरी आज की ढेर सारी फूलों भरी रंग बिरंगी ड्रेसेस फ्रॉम मीशो। आई होप आपको मेरा आज का कलेक्शन अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी सारी ड्रेसेस मिल गई होंगी, कहीं बाहर जाने के लिए आप कुछ विशलिस्ट कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और बस अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ढेर सारा मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ बताना मुझे कि आपको बेस्ट ड्रेस कौन सी लगी और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो, और मैं आपके कमेंट्स हमेशा रीड करती हूँ, भले ही मैं लाइक ना दे पाऊँ। और 2x की स्पीड पर देखो, मुझे भी मेरी वीडियोस को 2x की स्पीड पर देखने में बहुत मज़ा आता है, अलग ही गरिमा लगती हूँ मैं उसमें। तो बस ऐसे ही मेरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार देते रहिए, बरसाते रहिए प्यार, मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबका प्यार बटोरने के लिए, और मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Okay, till then, bye bye guys, I love ya.